हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मोनिका सिंह। आई होप यू आर डूइंग वेल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर ऑलरेडी कर रखा है तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। एज यू गाइस नो दैट दिस इज ऑल अबाउट द वेडिंग सीरीज। दिस लुक आई क्रिएटेड फॉर मेहंदी, for Mehndi night. If you really wanted to know how to create this simple and easy look, I'll just create this look in 10 to 15 minutes only. You can easily create this look in 10 to 15 minutes. If you wanted to know how to create it, let's get start the video. पहले मैं फेस को क्लीन करने के लिए Evertine की फेस वाइप्स यूज कर रही हूँ, जो कि फेस को अच्छे से क्लीन कर देते हैं, प्लस थोड़ा सा मॉइस्चर भी कर देते हैं, जिससे आपका फेस मॉइस्चर भी हो जाता है। देन आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दिस गुलाबी टोनर फॉर टोनिंग माई स्किन। गुलाबी टोनर इज़ द बेस्ट टोनर। मॉइस्चराइजर आई एम यूजिंग दिस जॉनसन बेबी का क्रीम। एंड फाउंडेशन मैं स्विस ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ, ये एग्जैक्ट मैच है मेरी स्किन का और काफ़ी लाइट फाउंडेशन है, लाइक डे टाइम के लिए आप इजली यूज़ कर सकते हो, लाइट कवरेज भी है साथ में। और फिर इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ ब्लेंडर की हेल्प से। ब्लेंडर हमेशा वेट यूज़ करना है आपको पानी में, सो दैट अच्छे से ब्लेंड हो जाए आपका। जैसा कि आप देख पाओगे काफ़ी लाइट कवरेज है, मतलब अच्छी कवरेज नहीं है, बट डे टाइम के लिए लाइट मेकअप के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। मेरे फेस पे उस टाइम थोड़े से स्पॉट्स वगैरह थे और मुझे इसका कवरेज बहुत लाइट लग रहा था, सो आई डिसाइडेड कि मैं इसमें एक और दूसरा फाउंडेशन ऐड कर दूंगी ताकि कवरेज अच्छी हो जाए। तो आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन। इससे एक अच्छी फुल कवरेज भी मिल जाएगी मुझे और स्मूथ बेस भी मिल जाएगा, बिकॉज मुझे अच्छा मेहंदी मेकअप क्रिएट करना था। देन अगेन मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ, सो दैट अच्छे से ब्लेंड हो जाए फाउंडेशन मेरे फेस में। और इसके बाद आई एम यूजिंग दिस ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल। ये ब्लू हेवन का बेस्ट आईब्रो पेंसिल है, प्लस काफ़ी कॉस्टली भी नहीं है, लाइक ओनली 118 रुपीज़ का मिलता है और इसमें आपको कॉम मिल जाएगी साथ में, और ये अच्छे से आईब्रोज़ को शेप वगैरह दे देता है। आईब्रोज़ के लिए मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो भी बनाई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं कर दूँगी। नाउ आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन का कंसीलर। ये कंसीलर फुल कवरेज देता है, मेबेलिन का काफ़ी अच्छा कंसीलर है ये, और इसे अच्छे से लगाने के बाद अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं फेस को पैक करने के लिए मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। एंड फिट मी का फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है, अच्छे से फेस को अच्छी कवरेज देता है। फिट मी के सारे प्रोडक्ट आपके फेस को बहुत अच्छी कवरेज देते हैं, एंड इसके बाद पूरे फेस को अच्छे से कवर कर लेता है ये फिट मी का फाउंडेशन। आई मेकअप आई एम यूजिंग दिस ब्यूटी ग्लेज्ड का आई शेडो पैलेट, और ये पैलेट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा था मुझे। इसका एक और डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ब्रश की हेल्प से मैं आईज़ का लुक क्रिएट कर रही हूँ। स्टार्ट कर रही हूँ मैं आई आउटर आई कॉर्नर से, और थोड़ा सा विंग लुक देना है तो वहीं वैसे ही स्टार्ट कर रही हूँ, और उसके बाद पूरा आईज़ को मैं ग्रीन कलर से फिल कर लूँगी ब्रश की हेल्प से। ब्लेंड अच्छे से ब्लेंड करना है और बहुत थोड़ा थोड़ा लेना है, क्योंकि ग्रीन कलर काफ़ी पिगमेंटेड है क्योंकि उससे थोड़ा सा ख़राब भी हो गया था, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, और ऑलमोस्ट हो गया है। देन मैं नेक्स्ट आईज़ करूँगी, और इस आईज़ के लिए मैंने सोचा मैं शेडो प्लेट ना यूज़ करके ये आई का सिस ब्यूटी का एक पेंसिल है ग्रीन कलर का, वो यूज़ करती हूँ, जो भी बेटर रहेगा मैं उसे आगे कंटिन्यू कर लूँगी। और ये आईज़ पेंसिल काफ़ी अच्छी है और काफ़ी स्मूथ भी चल रही थी, अप्रॉक्स 150 रुपीज़ की मुझे मिली है, और इसको मैं एज अ काजल भी यूज़ कर रही हूँ, सो दैट अच्छा सा लुक आ जाए आईज़ के लिए। अगेन मैं फॉर ब्लेंड करने के लिए राउंड ब्रश की हेल्प ले रही हूँ। अब ब्रश अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ, एंड देन विंग लुक जो दिया हुआ है वो मैंने उसी से मेंटेन हो जाएगा। देन फॉर ब्लश आई एम यूजिंग दिस फेसेस कनाडा का ब्लश, काफ़ी अच्छा है एंड अफोर्डेबल भी है, 700 रुपीज़ का ये पैलेट है। इसमें आपको ब्लश कॉन्टोर और हाईलाइट भी मिल जाएगा। कॉन्टोरिंग के लिए मैं ये फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ, और ये ब्रश मैंने अमेजोन से मंगाए थे, काफ़ी अच्छे ब्रशेज हैं। और अच्छे से नोज़ को कॉन्टोर करने के बाद मैं चीक्स बोन्स को ब्लेंडर की हेल्प से कॉन्टोर कर लेती हूँ। चीक्स को आप ब्लेंडर से भी कॉन्टोर कर सकते हैं और ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ सिस ब्यूटी की, सिस ब्यूटी का न्यूड शेड है ये, और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है क्योंकि ये क्रीमी शेड में है, आपको इसे थोड़ा बार बार लगाना पड़ेगा।
को हटाने के लिए आप थोड़ा सा लिप्स पे फेस पाउडर यूज़ कर सकते हो, जो कि क्रीमी टेक्सचर को हटा देता है, आपका लिप्स अच्छा आता है। प्लस हाइलाइटर, आई एम यूजिंग दिस सिस ब्यूटी का हाइलाइटर, ये काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, प्लस अफोर्डेबल भी है। और ये मैंने बहुत ही प्रिटी सी इयरिंग्स मैचिंग की ली हुई है, जो कि सरोजनी में है, सरोजनी से ही ली थी मैंने। ये इयरिंग्स काफ़ी प्यारी लग रही हैं, लाइक काफ़ी सूट कर रही हैं मेरे फेस पे और मेरे ड्रेस पे, और मैचिंग की तो है ही। प्लस मैंने ये ग्रीन कलर की चूड़ियाँ इसमें कैरी करी हैं साथ में, जो कि काफ़ी प्रिटी लग रही हैं। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू डिड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। That's it for today's video. I hope you like it. If you did, please like, share and subscribe to my channel. Wedding ki kai sari videos aayegi, to please 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 subscribe to my channel or keep loving, keep sharing my videos.